आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड केस, मेडिकल ट्रीटमेंट केस और लॉस्ट टाइम इंजुरीज के बारे में, और साथ ही हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट एड इंजुरीज क्या होती है। फर्स्ट एड इंजुरी एक ऐसी इंजुरी होती है कि जिसके लिए सिंगल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने की बहुत ही जरूरत होती है। फर्स्ट एड इंजुरी यानी कि मान लो कि आप वर्क प्लेस में काम कर रहे हो और काम करने के दौरान अगर मान लो आपको छोटी मोटी इंजुरीज हो जाती है, लेकिन उस इंजुरी का सेवरिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा नहीं होता, उसको खाली वन टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या फिर वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में ठीक हो सकता है, ऐसी इंजुरीज को हम फर्स्ट एड इंजुरीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि माइनर कट्स है उसको क्लीनिंग करना, स्क्रैप्स है, स्क्रैचेस होना, या फिर माइनर जो है वो जल गया है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना, बैंडेज अप्लाई करना या फिर ड्रेसिंग करना, या फिर आंखों में कुछ अगर कचरा चला गया हो तो उसको रिमूव करना, कुछ मसल्स अगर मान लो पेन कर रही हो तो उसको मसाज करना, अगर किसी को हिस्ट्रेस अगर हो चुका हो तो उसको पानी जो है वो पिलाना। तो ये जो सारी केसेस है ये फर्स्ट एड इंजुरीज में आती है। चलिए बात करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या होता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट केस यानी कि ऐसी इंजुरी जो जॉब के दौरान किसी इम्प्लॉय को हो जाती है और उस इंजुरीज को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत होती है, और वो जो ट्रीटमेंट है वो बाकायदा प्रोफेशनल जो फिजिशियन है या फिर जो क्वालिफाइड पैरामेडिक है उनके थ्रू ही दी जाती है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट केस कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल है जैसे कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो एक से कई बार दी जाती है। सेकंड एग्जाम्पल है स्टिचेस यानी कि किसी पर्सन को काम के दौरान जख्म हो गई है तो उसको जो है वो बाकायदा फिजिशियन के थ्रू ही वो स्टिचेस दिए जाते हैं, तो वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट इंजुरीज में आता है। थर्ड है रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू या फिर स्किन, जो भी डेड टिश्यू है या फिर जो स्किन है उसको रिमूवल करने का भी काम जो है वो फिजिशियन के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, मान लो कि काम के दौरान कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है वो जो केस है वो मेडिकल ट्रीटमेंट केस में आता है। फिर एग्जाम्पल है कि कोई अगर मान लो आपको जख्म हो गई है तो उसके ऊपर जो भी एंटीसेप्टिक है वो लगाई जाती है बाकायदा मेडिकल पर्सन के थ्रू, तो वो जो इंजुरीज है वो मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस में आती है। चलिए बात करते हैं कि लॉस्ट टाइम इंजुरीज क्या होता है। लॉस्ट टाइम इंजुरीज यानी कि ऐसी इंजुरीज जो एम्प्लॉय को काम करने के दौरान हो जाती है और उस इंजुरीज का रिजल्ट ऐसा होता है कि उसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो फुल डे जो है वो काम पर नहीं आ सकता है, यानी कि वो फुल डे जो है वो अब्सेंट रहता है। या फिर लॉस्ट टाइम इंजुरीज को हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी इंजुरीज जो एम्प्लॉय को काम के दौरान हो जाती है और जिसकी वजह से काम का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि उस इंजुरी की वजह से जो पर्सन है वो काम पर नहीं आ पाता और वो अब्सेंट हो जाता है। अब ये जो इंजुरी है जो इम्प्लॉय को हुआ है काम के दौरान, तो उस इंजुरीज की वजह से इम्प्लॉय जो है वो रेगुलर ड्यूटी पर नहीं आ सकता और वो रेगुलर काम नहीं कर सकता और उस इंजुरीज को रिकवर होने के लिए कुछ समय लगता है, ऐसी इंजुरीज को हम लॉस्ट टाइम इंजुरीज कंसिडर करते हैं। तो चलिए कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वहाँ पर वर्क एट हाइट का काम जो है वो शुरू है, तो उस काम के दौरान दो पर्सन जो है वो 2 मीटर हाइट से नीचे गिर जाते हैं जिसकी वजह से उनको इंजुरीज हो जाती है, तो एक पर्सन को जो है वो काफी ज्यादा चोट आती है जिसकी वजह से वो 1 वीक जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और दूसरा जो पर्सन है उसको 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है उस इंजुरीज की वजह से, ताकि उस इंजुरी से वो रिकवर हो सके। तो यहाँ पर 2 केसेस है, एक पर्सन जो 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज हुआ है वो लॉस्ट टाइम इंजुरीज में आएगा, और सेकंड जो पर्सन है वो पूरा 1 दिन नहीं आता क्योंकि उसकी जो इंजुरीज होती है उसको रिकवर करने के लिए टाइम लगता है, तो ये जो दोनों इंजुरीज है वो लॉस्ट टाइम इंजुरीज में आती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एड इंजुरीज क्या होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट इंजुरीज क्या होती है और लॉस्ट टाइम इंजुरीज क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।